ये देखिए हम लोग जा रहे हैं इलाहाबाद। भगवान धैर्य न जब जहां लाग तीन छोटे छोटे से लगी ना हम जा रहे हैं इलाहाबाद। ये देखिए जेठानी है हमारी और ये बहू है, एंगेस्टर बहू है, हम लोग इसी के भरोसे जा रहे हैं। और देवरानी है, इन लोगों से तो आप लोगों को हम पहले ही परिचय करा चुके हैं। और अब चलिए अब जैसे जैसे हम लोग चलेंगे वहाँ का फिर आप लोगों को दिखाएंगे इससे क्या होता है। अभी तो ट्रेन नहीं आई है, हम लोग स्टेशन पर हैं। ये देखिए ट्रेन आ गई है और सब ट्रेन पे जाने के लिए लाइन लगाए हैं। भीड़ तो इतनी ज़्यादा थी कि स्लीपर एसी और जनरल का पता ही नहीं था। तो स्लीपर था वो भी जनरल बना था, एसी था वो भी जनरल बना था। लोग मतलब ये नहीं देख रहे थे कि कहाँ हमको बैठना है, कहाँ हमको जाना है। जो ही डिब्बा खाली था लोग सब में घुस रहे थे। और प्रशासन के भी तरफ से छूट था, कोई कुछ कह नहीं रहा था, सबको पता था सब मतलब कि सब श्रद्धालु हैं और सब जा रहे हैं। तो टीटी वगैरह कुछ डिस्टर्ब नहीं किए किसी को। और ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है और सब इलाहाबाद के लिए मतलब प्रयागराज के लिए ही जा रहे हैं। तो सफ़र देखिए स्टेशन पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो हम लोग भी फैमिली के साथ गए थे तो जेंट्स तो कोई नहीं था, हम लोग लेडीज ही थे। और इतनी भीड़ है, तो अच्छा तो खूब लगा वहाँ पे। पर मतलब ये था कि अपना खूब इंजॉय सब लोग कर रहे थे और पूजा नहाना धोना ये सब खूब हुआ है। देखिए स्टेशन मतलब ठंड इतनी ज़्यादा थी लेकिन फिर भी ठंड में लोग ये नहीं देख रहे थे कि जो बूढ़े लोग थे, जो मतलब यंग लोग थे, जो बच्चे थे, सब लोग। ये देखिए हम लोग प्रयागराज स्टेशन पे पहुंच गए हैं। ये देखिए प्रयागराज संगम है, एक तो प्रयागराज स्टेशन पहले पड़ता है, ये संगम प्रयागराज संगम स्टेशन है। यहाँ से गंगा घाट मुश्किल से 1.5 से 2 किलोमीटर होगा। तो ये देखिए हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं और वहाँ से फिर हम लोग नहाने के लिए जा रहे हैं। गंगा घाट तो नज़दीक है लेकिन गंगा घाट से अंदर ऐसे पीपा पुल करके बना है तो वहाँ पर मतलब संगम वहाँ से कम 2-3 किलोमीटर पड़ता है। तो 2-3 किलोमीटर आपको पैदल जाना पड़ेगा। पैदल भी हम लोग गए, ये देखिए सब लोग पैदल ही जा रहे हैं। और ये देखिए हम लोग गंगा घाट पर पहुँच गए हैं और यहाँ पे हम लोग जैसे भीड़ आपको दिखा रहे हैं, भीड़ भी है खूब, नहाना धोना अपना पूजा पाठ सब लोग किए। हमारी देवरानी है, ये हमारे साथ चाची गई थी, गांव से आई थी, तो सब लोग अपना नहा वहा लिए हैं। और सुबह का टाइम है देखिए। और हाँ यहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा थी, मतलब ये नहीं था कि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो तो धक्का मुक्की ये सब चीज़ नहीं था। सिक्योरिटी की इतनी अच्छी व्यवस्था थी। ये देखिए यहाँ पे ये लोग फूल माला बेच रही हैं तो मैंने भी इनका भी फ़ोटो लिया। और ये देखिए यहाँ पे छोटा छोटा नाव बनाते हैं, उसी में फूल और सिंदूर प्रसाद ये सब रख के देते हैं। और ये देखिए हमारी बहू है जो तैयार हो रही है नहाने के बाद। हम लोगों का बाल वगैरह सब गीला था, वहाँ का हम घाट का नहीं आप लोगों को ब्लॉग बना के दिखा पाए वीडियो, क्योंकि वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी और रात का टाइम था। तो ऐसे में जैसे नहाना था फिर उस टाइम का वीडियो बनाना मुझे मतलब अच्छा नहीं लगा। लेकिन और हर टाइम का हम आपको दिखा रहे हैं, अभी गंगा जी का भी दिखाएंगे। और हाँ तो मैं कह रही थी ना कि सिक्योरिटी की व्यवस्था बहुत ज़्यादा थी। जैसे 10 आदमी इकट्ठा होते थे तुरंत उनको थोड़ा थोड़ा अलग अलग कर देते थे। एक ग्रुप में जैसे जितने लोग थे 4 लोग 5 लोग एक साथ जो थे वही लोग इकट्ठा हो रहे थे तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। और ना तो किसी तरह का किसी का जैसे मोबाइल पैसा ये सब सेफ था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और वहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी प्रशासन की तरफ से। और ये देखिए
ये देखिए जो ऊपर है वहाँ पे अलाउंस होता है कि यहाँ पर अगरबत्ती मत जलाइए, और आप मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह मत करिए अपने तरफ से। उसे भी सरकार की तरफ से व्यवस्था था, जैसे ही फूल माला ज़्यादा जा रहा था तो सब लोग निकाल लेते थे। ये देखिए सब लोग तैयार हो रहे हैं नहा वहा कर, और लाइटिंग की व्यवस्था बहुत ज़्यादा थी, पता ही नहीं चल रहा था कि दिन है या रात है, जबकि सुबह का टाइम एकदम अंधेरा था, लेकिन लाइटिंग की व्यवस्था इतनी ज़्यादा थी कि कुछ पता ही नहीं चल रहा था। देखिए सारे श्रद्धालु लोग सारे नहा धोकर अपना रेडी हैं। ठंड इतनी ज़्यादा थी, लेकिन हाँ गंगा माता का कुछ कृपा ऐसा है कि नहाने के बाद ठंड बिल्कुल लगा ही नहीं। और जो हमारी साथ में हमारी जेठानी चाची जी लोग थी, वो लोग थोड़ा मतलब वो था, हम लोगों को डर लग रहा था कि कहीं लोगों का तबीयत भी इतना ख़राब हो जाए, लेकिन ऐसे बहुत अच्छे से नहाई। ये देखिए नहाने के बाद पूजा उजा हम लोग गंगा माँ की आरती वगैरह किए। अंदर वहाँ नहीं जाने देते थे कि जैसे दीपक उपक आप बाहर रेत था तो वहीं पे जलाइए, और गंगा जी की तो बात ही मत करिए बाप, इतनी सुंदर धारा, इतनी अच्छी लहरें, इतना शांति और इतना सुकून वहाँ मिला कि क्या बताएं, इतनी मतलब हमें तो बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए नहाने के बाद सब लोग लौट रहे हैं, और ये भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, और ये पीपा पुल बना है ऐसे लगी तो ये मेले के लिए मुझे लगता है बनाया गया। और फिर हम लोग जब लौट रहे थे तो एक छोटा सा बच्चा यहाँ पे ये दिखा रहा था, नाग देवता का दर्शन करा रहा था, गंगा माता का दर्शन करने के बाद हम लोग नाग देवता का दर्शन किए, और हम लोग फिर अपना वहाँ पे नाश्ता वगैरह किए, सब बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। ये देखिए ये नाग देवता हैं। तो और फिर हम लोग जब आ रहे थे तो रास्ते में एक बहुत बड़ा घूमे टहले वापस टाइम पे, ये बहुत बड़ा गणेश जी का मंदिर है, मंदिर तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हम लोग इतना थक गए थे कि कुछ मन नहीं कर रहा था कि और ज़्यादा टहले घूमे। तो हमें आज जितना भी आप लोगों को बना पाए उतना दिखा रहे हैं वीडियो, तो ऐसे आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, फिर ऐसे छोटा छोटा हम आपको वीडियो दिखाते रहेंगे। और देखिए तब तक गणेश जी की मूर्ति है, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय।